हम सब में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी बुरी हैबिट्स, आदतें किसी न किसी तरह से आ जाती हैं जो हमारी ज़िंदगी को तबाह करने लगती है, दिमाग की तरह चाटने लगती है। और कई बार हम उन बुरी आदतों से जस्ट वी वॉन्ट टू कम आउट, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हमें वो नामुमकिन प्रतीत होता है, बहुत मुश्किल महसूस होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स एंड माय डियर फ्रेंड, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर ए स्टोरी जो आपको आपकी बुरी आदतों से छुटकारा पाने में ज़रूर मदद करेगी। ये 7 दिसंबर 2022 की बात है, शाम का समय था। देहरादून की आवारा सड़कों पर मैं किसी काम के लिए निकला था। एक शॉप पे मुझे काम था। जब काम करने के बाद मैं शॉप से निकला तो मैंने देखा कि एक बराबर वाली शॉप पे एक शख्स अपने नौकर को अपशब्द बोल रहे हैं, और कमाल की बात है उनका वो सर्वेंट हंस रहा है, एंड वो शख्स बहुत गुस्से में लग रहे थे। आई वेंट टू हिम, आई सेड, सर प्लीज स्टॉप इट, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, उस पर तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, देखिए वो हंस रहा है और आप अपना बीपी बढ़ा रहे हैं। दैट शख्स लुक्ड एट मी, मेरी तरफ देखा और उन्होंने कहा कि बेटा ये हमारा नौकर है, ये हमारे बच्चे जैसा है, मैं उसे अपशब्द नहीं कह रहा, मैं उसे मजाक कर रहा हूँ, ये कई सालों से हमारे साथ काम करता है। एंड आई थिंक इट वॉज द रीज़न कि उनका नौकर भी उन्हें जानता था और उनमें ये सब नोक जो चलती होगी। देन ही सेड थैंक यू सो मच कि आपने मेरी हेल्थ की थोड़ी सी परवाह की। आई सेड आई थिंक यू आर ओल्ड एंड आई थॉट आप गलत कर रहे हैं अपना बीपी बढ़ा करके। जैसे मैं जाने लगा तो उन्होंने मुझे रोका एंड ही आस्क्ड व्हाट इज योर नेम। आई सेड माई सेल्फ डॉक्टर अहमद और मैं एक प्रोफेसर हूँ। उन्होंने कहा थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हो। आई सेड मैं तो सिर्फ आपको इसलिए थोड़ा केयर कर रहा था क्योंकि आप एक बुजुर्ग आदमी हैं और कहीं उसके चक्कर में आप अपना स्वास्थ्य खराब ना कर लें। देन ही सेड बेटा स्वास्थ्य तो मेरा 10 साल पहले खराब था। यानी स्टार्टेड शेयरिंग कि मेरा नाम गुरपाल सिंह है और मेरी एज लगभग 63 साल है। 20 साल की उम्र में मैंने शराब और दूसरे बुरे नशों के सेवन शुरू कर दिए थे। मेरी जिंदगी ऑलमोस्ट तबाह होने लगी थी, रुई होने लगी थी। इन बिटवीन मेरी शादी भी हो गई थी लेकिन मेरी वाइफ उससे खुश नहीं थी, और जब ये सिलसिला चलता रहा तो मेरी शादी टूटने के कगार पे आ गई थी। माई वाइफ वॉन्टेड टू टेक डिवोर्स एंड मेरे रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया था, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा था, मेरे बच्चे भी शायद बहुत परेशानी से गुजर रहे थे उस वक्त और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बेबस और मजबूर महसूस करता था। मैं अपने बच्चों की वजह से, अपने परिवार की वजह से उस नशे को, उस आदत को छोड़ना चाहता था लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऑलमोस्ट आई वॉज कंप्लीटली स्टक इन टू दैट सिचुएशन, और मेरे घर वालों ने भी मेरे लिए आशा छोड़ दी थी कि शायद मैं अपनी जिंदगी को बदल सकूं। तभी मेरे किसी दोस्त ने हमारी मदद की और मुझे एक एनजीओ में एडमिट किया। इसका नाम उजाला है। देखिए मैं यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये अच्छा काम कर रही है, सिर्फ मैंने इसका नाम जन किया। एंड लगभग 5,000 रुपये की फीस के बाद 3-4 महीने मैं वहाँ उस एनजीओ में रहा और उन्होंने काउंसलिंग की और दवाइयों की मदद से मेरी शराब और नशे की आदत छुड़वा दी, पूरी तरह से छुड़वा दी। मुझे एक नई जिंदगी मिली, मेरा परिवार और मेरे रिश्तेदार दोबारा से मुझसे जुड़ने लगे और मेरी जिंदगी में टूटती बिखरती जिंदगी एक बार दोबारा से आबाद हुई और मुझे एक बार भगवान ने
नई जिंदगी दी है। मैं हर रोज़ उसका शुक्र अदा करता हूँ। हर रोज़ मैं उस दोस्त का, अपने परिवार का, जो उस वक्त बुरे वक्त में मेरे साथ था, मैं शुक्र अदा करता हूँ और उनके लिए आभारी हूँ। मैंने पिछले 10 सालों में कभी झूठ नहीं बोला है और मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में वक्त निकालकर दूसरे ऐसे पेशेंट्स की काउंसलिंग करता हूँ, उनकी हिम्मत बढ़ाता हूँ और बहुत सारे लोगों को मैं ये करवाने में कामयाब भी रहा हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, एक पल के लिए मैं भी उनकी बातों में इस तरह से खो ही गया था जैसे आप मेरी बातों में खो गए हैं। बिकॉज ऑलमोस्ट वो लगातार इतने मिनट तक अपनी स्टोरी सुनाते रहे, बताते रहे। देन आई डिसाइडेड टू शेयर। मैंने कहा कि सर क्या मैं आपकी ये स्टोरी शेयर कर सकता हूँ। देन ही टोल्ड एवरीथिंग, एज, नाम वाम सब कुछ बताया उन्होंने। अगर आप चाहें तो उसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं उनकी शॉप का एड्रेस दे दूंगा, आप वहाँ जाकर के इस स्टोरी को वेरीफाई कर सकते हैं। एनी वेज, हाउ डिड यू लाइक द वीडियो? क्या ये वीडियो आपको आपके हैबिट को क्विट करने में, पूरी आदतों को क्विट करने में कोई मदद कर सकती है? लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी स्टोरी है। अगर कृपाल सिंह जी 63 साल की उम्र में 10 साल पहले अपनी शराब को छोड़ चुके हैं 53 साल की उम्र में, तो क्या आपको 33-34 साल हो गए हैं कि आप अपनी शराब नहीं छोड़ सकते? आई थिंक नॉट। कृपाल सिंह ने मुझे बताया कि उनकी विल पावर, उनके दोस्तों और परिवार का सहयोग उन्हें छुड़वाने में मदद कर पाया और उन्हें ये बताया कि उनकी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, हो नहीं गई है बल्कि ये स्ट्रांग पावर सबके अंदर होती है, बस उसे किस तरह से जगाया जाए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। दोस्तों, मैं ये स्टोरी आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ठीक 2 साल पहले मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त का घर शराब के नशे की वजह से उजड़ गया। वो बहुत ज़्यादा शराब पीने का आदी हो गया था। उसकी 2 बेटियाँ थीं और उसकी बीवी को मजबूर होकर उसका घर छोड़ना पड़ा, डिवोर्स लेना पड़ा। इसी तरह से एक मेरे कलीग था जिसकी उम्र लगभग 35 प्लस होगी, उसके 2 बच्चे थे, लेकिन शराब पीने की बुरी आदत ने उसे, उसकी हेल्थ को इतना बुरी तरह से प्रभावित किया था कि बहुत ही कम उम्र में वो इस दुनिया से विदा हो गया। हमारे सामने रोज़ ऐसे कितनी सारी मिसालें आती हैं जब ये सब हम घटता हुआ देखते हैं लेकिन कुछ भी नहीं करते। ओनली थिंग्स, ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करिए अगर वो चाहते हैं कि उनकी मदद की जाए। दोस्तों, हाउ डिड यू लाइक द वीडियो? प्लीज़ कॉमेंट इट। दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। हो सकता है आपके एक शेयर से कोई कीमती लाइफ बच जाए, किसी का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए, एक परिवार उजड़ने से बच जाए, एक घर तबाह होने से बच जाए और सोसाइटी में कोई बुरे से अच्छा आदमी बनकर एक मिसाल बन जाए। अहमद सारी काउंटेंटेल बी मीट अगेन।